और हमने कल पृथ्वी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी, उसमें आपको बताया था कि पृथ्वी जो है इस तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी का पुराना नाम क्या था, पेंजिया। पृथ्वी का पुराना नाम क्या था, पेंजिया। आकार कैसा था, जिया। पृथ्वी पर कितनी प्रकार की रेखाएं और दोनों कैसी थी, काल्पनिक। जो लेटी थी उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, और जो भैया खड़ी हुई थी उनका नाम, हाँ, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अक्षांश रेखाओं के बीच जो खाली स्थान होता उसको क्या कहते, क्या बोलते, कटिबंध। और देशांतर रेखाओं के खाली स्थान को क्या बोलते, गोरे। अब हमने कल आपको बताया था पृथ्वी में जो गर्मी वाला क्षेत्र है उसको बोला जाता उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां से कहां होता है, तो भैया आपका 23.5 से 23.5। कल इसी पे तो चर्चा हुई थी। और 23.5 वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं 23.5 उत्तरी रेखा, और इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अब हम आपसे बोलेंगे कर्क रेखा का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होता। कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है। लेकिन हम कहते भैया कि मकर रेखा का मान कितना होता है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश होता। लेकिन विषुवत रेखा का मान कितना होता, 0 अंश। कितना होता, 0। सूर्य हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है, इसीलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होता है, हाँ, और दिन और रात बराबर कब होते हैं, हाँ, देखो कितना अच्छा बता रहे बिटिया, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात क्या होते हैं, बराबर। लेकिन हमने कहा रात जो है बहुत बड़ी, कौने दिन हुई भैया, 22 दिसंबर कब होगी, 22। सबसे ज्यादा ठंडी किस दिन होगी, सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन होगी, गर्मी ठंडी बराबर कब होगी, क्लियर है। इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं, अभी कहीं लिखे पढ़े नहीं लेकिन दिमाग में सब लिख गया है, कहीं लिखने की जरूरत पड़ी सब दिमाग में फीड है, ठीक। आप लगातार ये 2 से 3 क्लासें हमारी किए होंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक। अभी लिखने वाली काम नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, अभी बेस क्लियर कर रहे हैं। ये बेस जब क्लियर होगा तभी किसी पॉइंट पर आएंगे, चर्चा करेंगे। अभी हमको भारत जाना है, अभी लेकिन हम भारत नहीं पहुंच पाए, अभी पृथ्वी का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अब कल हमने बताया इस पृथ्वी पर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, और उन टुकड़ों को हमने बोला था क्या, महाद्वीप। कितने टुकड़े थे, अच्छा कल हमने कहा था यदि कोई आकृति है जिसके चारों तरफ जल भरा हुआ हो, जिसके चारों तरफ पानी हो, वो क्या कहलाता, द्वीप। आइलैंड के बारे में बताए थे हमने, कहा धरातल का वह आकृति, धरातल की वह आकृति जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप। धरातल की वह आकृति जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो, उसको क्या बोलेंगे, द्वीप। क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। और फिर हमने कहा था द्वीप के बाद क्या आते, महाद्वीप। क्या आते, महाद्वीप। लेकिन हमने आपको बहुत आराम से एक बात बताई थी कि बच्चा जिसके आगे क्या लग जाए, महा, महा का मतलब बहुत बहुत ज्यादा। क्या कह दिए हमने, कहा ये लड़का पढ़ने में अच्छा है लेकिन इन्होंने कहा ये महा अच्छा है, तो मतलब बहुत ज्यादा, फिर इसकी तुलना हम नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। जिसके आगे महा लग जाए मतलब अतुलनीय हो गया है, फिर उसकी हम तुलना नहीं कर। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताइए आपके जीएस वाले सर कैसे पढ़ाते, तो आप कहोगे अच्छा पढ़ाते, लेकिन कोई बच्चा खड़ा होकर क्या कहेगा, महा अच्छा पढ़ाते, तो महा अच्छा का क्या मतलब हुआ, फिर उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसकी तुलना। तो आप तुम समझ गए ना, जिसको अच्छा कहना होगा तो उसको कैसे कहोगे, महा अच्छा, और जिसको हल्का हल्का अच्छा कहना होगा ऐसे कहोगे, ठीक ठाक, ठीक ना, कहोगे अच्छा पढ़ाते। लेकिन जब किसी को बहुत अच्छा कहना तो कैसे कहोगे, महा अच्छा। तो समझे, जब भी आपसे कोई पूछा जाएगा कि विपिन सर आपके कैसे है, तो क्या बताओगे, महा अच्छे हैं, ठीक है ना। और अच्छे कह दिए तो हम समझ जाएंगे क्या कह रहे हो, ठीक है। तो आप समझ गए ना, किसी की बड़ाई करनी तो कह, हाँ अंगौछा अंगौछा डाल रहे, तुमको हीरो बना देंगे। अरे भोजपुरी पिक्चरों में जैसे नहीं निरहुआ रहता है, उसी तरह ये बन रहा है, कातिया टाइप का। चलो अब बात करते हैं, हमने कहा था ये जिसके चारों ओर पानी होगा वो क्या होगा, द्वीप। क्या होगा, द्वीप। अच्छा हमने कहा ये भी आपसे कि बताइए जिसके तीन ओर पानी हो, जैसे हमने ये कहा भारत है और भारत के इधर भी पानी है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, हिंद महासागर। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो भारत के तीन ओर पानी है उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, हाँ प्रायद्वीप। कभी भी पूछा जाए द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है, तो सीधा कह दो जिनके चार तरफ पानी वो काय है, द्वीप, और जिनके तीन तरफ पानी प्रायद्वीप। तो कभी पूछा जाएगा श्रीलंका,
श्रीलंका देखो कहाँ, चाचा हमारे कहाँ है, ये देखो यहाँ लटके हैं, ठीक ऐसे अब मानचित्र में देखोगे तो ऐसे लटके हुए हैं श्रीलंका। श्रीलंका इस समय बर्बाद हो चुका पूरी तरह से, समझ रहे हो ना। हाँ श्रीलंका ऐसे, और इसके चारों तरफ क्या है, पानी, इसके चारों तरफ क्या है, पानी। तो श्रीलंका द्वीप है कि प्रायद्वीप है, लेकिन भारत के तीन ओर पानी, तो भारत क्या है, तो भारत के तीन ओर पानी है, एक ओर क्या है स्थल है, एक ओर क्या है स्थल। अब मानचित्र में देखोगे तो भारत ये है आपका, ये भारत है बच्चा, भारत तो सब लोग जानते हो ना, ये भारत है, और भारत के ऊपर देखो ये स्थल है पूरा, और इधर पानी इधर पानी इधर पानी, तीन ओर पानी एक तरफ स्थल, तो वो क्या होता है प्रायद्वीप। अच्छा लेकिन इस बात को जस्ट अपोजिट कर दो, अपोजिट कर दो कि तीन ओर खाली जमीन होए, तीन ओर केवल स्थल, तीन ओर केवल स्थल और एक ओर क्या हो पानी, एक ओर क्या हो पानी, इसको बोलते हैं खाड़ी। क्या बोलते, अच्छे अच्छे किताबों नहीं लिखती ये बातें, और किसी से पूछ लोगे अच्छे अच्छे मास्टर नहीं बता पाते, उनसे पूछो खाड़ी क्या है, कहीं ये सकरा रास्ता है इस खाड़ी, तो सकरा रास्ता नहीं कहते, सकरा तो है ही है, लेकिन उसकी डिफिनीशन कैसे बताओगे कि जिसके तीन ओर स्थल हो और एक तरफ क्या हो वो क्या है खाड़ी, और जिसके तीन तरफ पानी एक तरफ स्थल वो क्या है, वो क्या है प्रायद्वीप। और चौथी बात हमने आपको बताई थी सागर और महासागर में अंतर, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल हमारे पास ही मिलता है। सागर और महासागर में अंतर कल बताए थे, सागर बड़ा होता कि महासागर, अब इन्हें तो बताया ना, जेके सामने लाग जाए महा वो कहा है फिर उसकी तुलना नहीं, तो सागर क्या होगा भैया छोटा होगा, महासागर क्या होगा बड़ा। जैसे हमने कहा था ये मान लो कोई समुद्र है, ये क्या है समुद्र है, ठीक। अब समुद्र की बात देखो, समुद्र और सागर एक ही होते हैं, समुद्र सागर क्या होते हैं एक होते हैं, लेकिन गांव वाले समुद्र कहा कहेंगे भैया कहाँ करो कहीं समुद्र गिनना है, तो समुद्र तो कुछ होता ही नहीं है, गांव वाले ऐसे होंगे कहा रहे हो कहीं समुद्र नहाए गिनना है, हम कहें ऊपर जाते हो चलो आओ। हाँ इसमें क्या भरा हुआ है बच्चा, पानी, क्या भरा हुआ है पानी। अब हमने कहा सागर और महासागर में सबसे बढ़िया अंतर समझना है, तो हम ये बता देंगे सागर जो होगा, सागर जो होगा उसकी कोई ना कोई सीमा स्थल को स्पर्श करेगी, क्या करेगी, सागर की कोई ना कोई सीमा क्या करेगी स्थल को स्पर्श करेगी, लेकिन महासागर की कोई सीमा स्थल को स्पर्श। अब देखो हमने कहा ये चारों तरफ जो सफेद सफेद दिख रहा है ये क्या है स्थल है, और बीच में क्या है पानी, ये सब पूरा क्या है अंदर पानी, तो हमने कहा ये किनारे वाला जो पानी है ये स्थल को स्पर्श कर रहा है ना, तो ये किनारे वाले साइड में सब क्या होंगे सागर होंगे, लेकिन ये बीच वाला कर रहा किसी को, ये बीच वाला किसी को कर रहा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा महासागर। तो अच्छा ये नहीं कह सकते क्या कि ये किनारे देखो एक सागर दो सागर तीन सागर चार सागर पांच सागर छह सागर, महाओग सागर, महाओग मतलब क्या होता समझते हो ना, बहुत ज्यादा महोग मतलब, तो बहुत ज्यादा जब चीज होती है तो उसको हम बोल देते हैं महो, ठीक है ना, समझ जाओ हमारी भाषा, ठीक। जब बहुत सारे सागर मिल जाते हैं तो वही क्या बनाते हैं महासागर, क्या बनाते हैं महासागर। तो सागर और महासागर में अंतर क्लियर है, सागर की कोई भी सीमा क्या होगी स्थल को छुएगी, और महासागर की कोई सीमा स्थल को नहीं। अच्छा फिर हमने कहा कि कोई पेड़ पौधा, अब पेड़ पौधों को जमीन चाहिए ना, पेड़ कहाँ उगेगा जमीन में, जमीन के साथ साथ पानी भी चाहिए, तो हमने कहा पेड़ यहाँ किनारे ज्यादा सही नहीं है कि यहाँ बीच में किनारे। अब किनारे जब पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधों को खाने कौन आएगा, जीव जंतु, कौन आएगा जीव जंतु आएगा, और जब जीव जंतु आएगा बच्चा खाने, जैसे हमने कहा मछली यहाँ मान लो महासागर में घर बना के रहती, सुबह हुआ कोट पैंट पहन के मछली चल दी कहाँ, हिया खाना खाए, अब पता लगा शाम का चार बजे खाना खाए यहाँ पहुंच पाई मछली, खाना वाना खाए घंटा दो घंटा खाना खाए लागा मछली को, मछली का खाना मालूम क्या है, क्या कोई बता सकता है इतनी बड़ी क्लास में, प्लैंगटन, केचुआ नहीं साहब, केचुआ बैल केचुआ बता रहा, प्लैंगटन, मछली क्या खाती है प्लैंगटन, अब आगे कभी बताएंगे प्लैंगटन कैसे बनते हैं, सुनो अब मछली जैसे यहाँ खाना खाने आई, यहाँ खाना खाने आई, अब सुबह चली सात बजे और पहुंची कब, सवेरे सवेरे पहुंच रहे हैं मान लो पाँच बजे है ना, पाँच बजे शाम का पहुंची यहाँ, अब फिर खाए पी के कहा हुई वापसी करी रात का, फिर पहुंची वहाँ मान लो दो बजे, फिर सवेरे चले, तो मछली तो जीवन खाली खाने में बीत जाए, सवेरे चलना शाम का खाए पी के फिर वापसी करे, मछली बहुत परेशान, तो मछली को किसी ने एक रास्ता बताया, तुम यहाँ काहे अपन घर बनाए उफर रहे हो, तुम यही जगह घर बना लो ना, जैसे खाना पीना यहाँ है तो घर यहाँ बना लो, तो मछली ने अपना घर कहाँ बना लिया यहाँ, अब सवेरे उठती है आठ बजे बढ़िया पूरी नींद मरती है, आठ बजे उठती है नौ बजे खाना खाए फिर वापसी, आठ बजे खाना खाए नौ बजे वापसी पूरा। सुनो हमने कहा कि सागर और महासागर में दो अंतर एकदम फिक्स हो गए, सागर की सीमा क्या होगी
स्थल को छुएगी, महासागर की नहीं छुए। सागर बड़ा होगा कि महासागर? महासागर बड़ा होगा, सागर छोटा, और कई सारे सागर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? महासागर। और बढ़िया अंतर आपको बता देना कि जीव जंतु आप पेड़ पौधे सागर में ज्यादा पाए जाते हैं, महासागर में अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत क्या होता? जब अपेक्षाकृत शब्द जोड़ते हैं बच्चा, तो तुलना, जैसे हमने कहा इनकी अपेक्षा ये लड़की ज्यादा अच्छी है, हमने कहा ये बिटिया ज्यादा पढ़ने में अच्छी, तो इसका मतलब क्या होगा? केवल इन दोनों की तुलना हुई। जब हमने कह दिया कि तरन्नुम पूरे क्लास में सबसे अच्छी पढ़ने में, तो मतलब कि सबसे तुलना हो गई। क्या हो गई? सबसे तुलना। और जब हम अपेक्षा शब्द जोड़ देंगे तो केवल दो लोगों से तुलना होती। इतना आप जानते रहो, थोड़ी थोड़ी बातें हिंदी की हैं ये सब। ठीक, आगे चलते हैं। आगे फिर हमने कहा पृथ्वी पर सागर पता हो गया, महासागर। अच्छा, आप जिससे पूछ ले कोई सागर जानते हो कि दो, हाँ, कोई कहते महासागर के दो, हाँ, कोई पूछ ले द्वीप के दो, हाँ, कोई पूछ ले महाद्वीप के दो, हाँ, कोई पूछ ले प्रायद्वीप के दो, हाँ, कोई पूछ ले खाड़ी के दो, हाँ, कितनी चीजें सब जानते हो ना? अभी सबसे सुनेंगे, पूछ लो, अभी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, सब क्लियर है? फिर हम सुनेंगे, कोई ना बता पाएगा तो भाई फिर हम मारेंगे भी, है ना बिटिया? मुस्कुराइए नहीं, पढ़िए। हाँ हाँ सर, नहीं हमको तो आता है। कल हमने कहा पृथ्वी पर सात क्या थे? महाद्वीप थे। कितने महाद्वीप थे? सात महाद्वीप थे। और हमने आपको बताया था सातों महाद्वीपों की लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने दो नंबर का नाम दिया, फिर एक नंबर, हाँ देखो आज सब बच्चे बता रहे हैं, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर और छः नंबर और सात नंबर, है ना? नंबरिंग से सबसे अच्छा तरीका नंबर से याद करेंगे, ठीक है ना? और हमने कहा बच्चा, हमने आपसे कहा कि बताइए संपूर्ण पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? सात। कितने महाद्वीप हैं? सात। कितने महाद्वीप हैं? सात। कितने महासागर हैं? पांच। महासागर कितने हैं? लेकिन कहते ही सागर कह दे, कह दो महाओ सागर है। महाओ मतलब क्या है? 100, 150, 200, 400, गिना नहीं जा सकता। हम कैसे कह दे द्वीप कितने हैं? बहुत सारे द्वीप हैं, गिने नहीं जा सकते। लेकिन महाद्वीप कितने हैं? सात। और महासागर कितने हैं? पांच। कितने हैं? पांच है। हमने कहा था यदि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो तो वहां महासागर चार पढ़ने हैं, यदि ग्रुप डी की तैयारी करते हो, पुलिस आर्मी फौज एयरफोर्स नेवी इनकी तैयारी करते हो, मास्टर दरोगा की, तो इनमें आपको कितने पढ़ने? पांच। क्योंकि आप लोग थोड़ा बैल दिमाग के हो ना, इसलिए तुमको कितने पढ़ने होते? पांच। लेकिन एयरफोर्स नेवी वालों को, ओ एयरफोर्स कह रहे हैं, आईएएस पीसीएस को कितने पढ़ने होते हैं? चार, है ना? तो आप आईएएस नहीं हो, ठीक है ना? आओ इधर आओ। हमने कहा पांच क्या है? महाद्वीप है। पांच क्या है? महाद्वीप। अब सुनना, हमने नंबर दो दिया जिसको, इसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। दो नंबर वाले का नाम क्या है? अफ्रीका। सुनते रहना, दो नंबर पर क्या है? अफ्रीका। एक नंबर पर एशिया। एक नंबर पर एशिया। दो नंबर पर अफ्रीका। तीन नंबर पर, तीन नंबर पर उत्तरी अमेरिका। चार नंबर पर, पांच नंबर पर अंटार्कटिका। छह नंबर पर यूरोप। सात नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सात नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अब सुनना मेरी एक एक बात को सुनना यहां से। अब हम हाथ रखेंगे, हम ऐसे आंखें मूंद के हाथ रखें, तुम सही सही बताओ खाली, ठीक है ना? और एक साथ कोई गड़बड़ कर दिया, वैसे ना निहार, ऐसी देखो, यहाँ ये देखो, ऐसी ये कौन है? ये कुछ भाई नहीं है। सुनो भाई, कितने महाद्वीप हैं? सात। अच्छा देखो, मैंने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया। जैसे हम कहते हैं दो नंबर पर को है, एक नंबर पर, तीन नंबर पर, चार नंबर पर, पांच नंबर पर, छह नंबर पर, सात पर। सुनो भाई, सात लोग हैं, सात में एक लोगन का काट दो, ये हमें काम के नहीं है। कहाँ काम पे? इधर देखो, सात में से हमने किसको काट दिया? पांच। तो इसको काट क्यों दिया? क्योंकि यहाँ मानव नहीं पाया जाता। मानव कहाँ नहीं पाया जाता? अब आपसे पूछा जाएगा सात महाद्वीपों में कितने में मानव पाया जाता? और एक में नहीं। किस में नहीं पाया जाता? अंटार्कटिका। अच्छा ठीक है, अंटार्कटिका में मानव नहीं पाया जाता, तो हमने कहा अच्छा पाया क्या जाता है? तुमने कहा बर्फ पाई जाती है, तो हमने कहा बर्फ कैसी होती है? तो बताओ ना, सफेद महाद्वीप किसे कहेंगे? बताइए किस में मानव नहीं होगा? किस में नहीं होगा? अंटार्कटिका। अच्छा फिर हमने कह दिया कि ये बताइए बच्चा, बर्फ होगी तो पिघलेगी ना, तो पिघला हुआ महाद्वीप किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का काम समाप्त। अच्छा एक बात का लाहौर बहुत अच्छी बता के गए थे, हमने कहा था यहाँ पर मानव नहीं है तो शांति रहेगी, इसीलिए वैज्ञानिक सब कहाँ रहती है? हमने कई लोगों से पूछा एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ कहीं, तो मर गए चले गए, हमने कहा मरे नहीं है, वो कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ है? कभी मर सकते हैं क्या? हुएस मिसाइलें बना रहे हैं, जो को ना पढ़े ऊपर फेंक दी है, वही दिन बताए ना कैसे फेंकिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ रुके हुए हैं?
वो मर नहीं सकते, वो ईश्वर के अवतार है बच्चा, वो कभी मर नहीं सकते, वो कहाँ है? तो वैज्ञानिकों को समर्पित कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम हमारे क्या थे? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों को समर्पित कौन समाधि हो? काल्पनिक हो। तो अंटार्कटिका भी तो काल्पनिक है तुम्हारे लिए, छू सकते हो क्या अंटार्कटिका को? हाँ ठीक है, जा सकते हो, लेकिन अभी तुम नहीं जा पाओगे। अंटार्कटिका क्लियर हुआ? वैज्ञानिकों को समर्पित। सफेद महाद्वीप, पिघला हुआ महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, कितने में मानव है, कितने में नहीं है, एक नंबर पर कौन है? देखो एक नंबर पर जब एशिया है तो सबसे बड़ा भी कौन है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। कम से कम 100 बार यह क्वेश्चन पेपर में आवा है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। लेकिन कुछ जो लड़के बैल रहते, पढ़े लिखे नहीं रहते, कहते ये अफ्रीका है, अफ्रीका है। कौन है? हाँ, और मानो कहाँ नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, सुनो आगे कहानी बताते हैं। हाँ हाँ बिटिया बैठो, हाँ ये अपने यहाँ पढ़ती का? हाँ अब आ रहे हो बिटिया पढ़े? अच्छा हो गया, कहाँ पूछा कर बताओ, चलो कैसे है? हाँ और किसका पेट गल था? हाँ पूछा नहीं गया, नंबर मिले कि नहीं, खाली चली ही आए भाई। हाँ देखे रहो कहूँ हैच न मिल जाए। चलो स्टार मिला, और मंजन का तो नंबर मिला, तुमको हैच मिल रहा। चलो आओ इधर देखो बच्चा, अब हमने कहा ए बिटिया औतक हम तुम्हारा शुरू होगा पर पंचैया, हाँ झिटिक झिटिक जो बतला रही हैं, हैं ऐसी देखो बिटिया। हाँ इधर लड़के तुम लोग तो पढ़ ही लो, तुम्हारे लिए हम पढ़ावे आई थे, बिटियन खातिर नहीं आई, तुम लोगन के लिए आई थे। ये लोगन का कहा है, इनके पास तो दिमाग वैसे नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है ना। सुनो तुम लोगन का ये लिए पढ़ाया है, ये दुनिया में तुम्हारे खातिर कौन नहीं है, केवल अकेले हम हैं। महिला आयोग है, पुरुष आयोग है का? तुमको कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, ऐसे घूमते रहोगे, समझे? नौकरी ना मिली तो बियाहो ना हुई, ऐसे रह जाइयो, देखुआ नहीं आवती हैं, हाँ जान लो, और उनके घर वाले पैसा रुपया दे के बियाह कर देंगे बच्चा। हाँ तो लड़कियों की तुलना ना करो, लड़कियाँ बहुत तेज हो गई, अब देखो जहाज उड़ा रही सब लड़कियाँ। हाँ और लड़कियाँ जहाज उड़ावे लागी, पहिया पकड़ के लटकाए लागी हैं, समझ रहे हो? जब से लड़कियों ने जहाज पकड़ा स्टेरिंग, जब से ही पहिया पकड़ ली ने, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में पुरुष सब पहिया पकड़ के लटके रहे कि नहीं लटके रहे, देखे थे कि नहीं? आओ मुद्दे पर, थोड़ी थोड़ी देर में मुद्दे पे आ जाओ, है ना। आते हैं दो नंबर, बात करते हैं ये क्या है, देखो लस्सी लग गया, देखिए नहीं यही गाल लेंगे, देख रहे घोर अपमान है, ये घोर अपमान है ना, फील नहीं हुआ? अच्छा तुम लोग इनका घेर लो, आज घेराव कर दो, एक तो लस्सी लेके आए यहाँ देखना, अच्छा यही गाल लेके फिर चलेंगे, देख ये गलत है, है? सबसे ज़्यादा मेहनत हम ही कर रहे हैं, है? दो दो नंबर पर आते हैं, सुनो आए नहीं बिटिया इधर आओ तुम पढ़ो, दो नंबर पर, हाँ हाँ दो नंबर पर अफ्रीका है, तो हम कब कई दिन ऑस्ट्रेलिया है, हा? सुनो दो नंबर पर क्या है बच्चा? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। सुनना बच्चा मेरी बात को, हमने कहा जो अफ्रीका है, मानव जो है, हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज जो थे मानव के, सबसे पहला जो मानव उत्पन्न हुआ, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? और जो मानव यहाँ पर अफ्रीका में पैदा हुआ वो एकदम करिया करिया रहा, करिया करिया का मतलब समझते हो? हाँ काला काला अलग होता है और करिया करिया अलग होता है, मानो कभी काला नहीं होता है ना, वो कैसा होता है? करिया करिया होता है, करिया करिया का मतलब कैसा? सांवला। हमारे के कह बहस से विकास, सुनो इधर मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई और कैसा मानव था? काला। तो इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कौनो कहानी बताए तो सबका लॉजिक हो जाता है, तो बताइए सात में से काला महाद्वीप किसे कहते? किसे कहते? मानव की उत्पत्ति। और जो मानव पैदा हुआ था बच्चा, वो संस्कारी नहीं था, सभ्यतावान नहीं था, एकदम बैल था, सुबह उठ के नमस्ते नहीं करता था, गुड मॉर्निंग नहीं करता था, चाय नहीं पीता था, कपड़े नहीं पहनता था, एकदम बैल टाइप का था मानव। हाँ तो जो मानव बैल वाला था वो कहाँ पैदा हुआ?
लेकिन हमने कहा भारत कहाँ पर है? एशिया। भारत कहाँ पर है? एशिया। भारत कहाँ है? एशिया। पूरे विश्व में सबसे संस्कारी कोई है तो भारत, और भारत में कौन है? हम लोग कितने संस्कारी हैं। ये कुछ खाने को आएगा तो पहले हमको खिलाओगे, बाद में तुम खाओगे ना? अरे ना ही, पहले हम कब? यही तो है भाई, भारत क्या है बच्चा? संस्कारी। नमस्ते करते हो ना तुम लोग? करते हो ना? तो भाई भारत सबसे संस्कारी। तो ये जो मानव यहाँ पैदा हुआ, ये कहाँ गया? भारत। कहाँ आया? एशिया। मतलब कहाँ आया? एशिया। और एशिया में क्या सीखे? सभ्यता और संस्कार, सभ्यता और संस्कार। तो पूछा जाएगा सभ्यता और संस्कारों का महाद्वीप किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? एशिया। अब मानव इतने तेज बोल रहे हो, घबराहट हो ला, इतने तेज ना बोलो भाई। मानव पैदा कहाँ हुआ? मानव पैदा कहाँ हुआ? और मानव कैसा था? इसीलिए काला महाद्वीप किसे कहेंगे? सभ्यता कहाँ सीखा? तो मानव सभ्यता का पालना किसे कहेंगे? एशिया। देखो पालना का मतलब होता है झुलवा, पैदा होते झुलवा जो झुलावा जाता है, तो सभ्यता वाला झुलवा कहाँ है? एशिया में। लेकिन पैदा होते जो झुलवा झुला वो कहाँ है? अफ्रीका। तीन महाद्वीप क्लियर हो गए। चौथे की बात करें तो कौन है? उत्तरी अमेरिका। कौन है? उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसे नई दुनिया कहा जाता। क्या कहा जाता? हाँ, नई दुनिया के नाम से किसे जानेंगे? नई दुनिया के नाम से किसे जानेंगे? उत्तरी अमेरिका। किसे जानेंगे? उत्तरी अमेरिका। तो नई दुनिया किसे कहेंगे? उत्तरी अमेरिका। सुनना बच्चा, अब ये जो है चार नंबर पर क्या लिखा है? दक्षिणी अमेरिका। क्या लिखा है? हाँ, साउथ अमेरिका। अब सुनो, दक्षिणी अमेरिका जो है इससे एक रेखा गुजरती है, और वो रेखा है जीरो वाली। कौन है? अब आपको हमने बताया था जहां से जीरो गुजरती है वहां पर टेम्परेचर, बताए थे ना उस दिन, टेम्परेचर ज्यादा, और यहीं पर वर्षा भी क्या होगी? और वर्षा ज्यादा होगी तो जैव विविधता, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु ज्यादा। अब आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा सात महाद्वीपों में सबसे ज्यादा जीव जंतु किस महाद्वीप में है? कहा? दक्षिणी अमेरिका। अमेजन के जंगल का नाम सुना होगा, अमेजन के जंगल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहा जाता पक्षियों का महाद्वीप किसे कहेंगे? सांपों का महाद्वीप किसे कहेंगे? जीव जंतुओं का महाद्वीप किसे कहेंगे? पेड़ पौधों का महाद्वीप किसे कहेंगे? वर्षा का महाद्वीप किसे कहेंगे? बताओ, पहले ही हम तो ये सब पहले ही जानित रहे, जानते रहो कि नहीं जानते रहो? तुमको सीधा पता रहा, विषुवत रेखा गुजरेगी तो ये सारा मामला तो होगा ही होगा। तो वो सारा मामला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अब एक क्वेश्चन पूछ ले, बताइए पृथ्वी पर सात महाद्वीप हैं, सातों में से सबसे ज्यादा जैव विविधता किस महाद्वीप में है? समझ गए? कोई डाउट? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पीछे वाली ये तीन चार लाइन के जितने लड़के हैं इनसे सुनेंगे, ठीक है ना? इनसे सुनेंगे। अब जान लो, चौकन्ना रहना, आज ना सुना पाए पंखम लटका दे बराबर नाचोगे। देख रहा है पंखम लटकाइयो, वाह निहार आओ, पंखम लटकाओगे क्या? बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो एक महाद्वीप, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच क्लियर हो गए? थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो रही ना, तो आप आंखें मूंद के बताओ भाई। सबसे पहले बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। कौन है? दक्षिणी अमेरिका। कुत्तों का महाद्वीप, बैलों का महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप, हाथियों का महाद्वीप, नई दुनिया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, नई दुनिया कौन है? अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको नई दुनिया क्यों कहते, ठीक है ना? नई दुनिया किसे कहेंगे? हाँ, उत्तरी अमेरिका। मानो कहाँ नहीं है? अंटार्कटिका। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? मानो सभ्यता का पालना? भारत किस महाद्वीप में है? भारत कहाँ है? कोई पूछ रहे तुम किस महाद्वीप में रहते हो? करिया वाले लोग कहाँ रहते हैं? हमें पूर्वज कहाँ पैदा भे? नई दुनिया कहाँ है? हाथी घोड़ा बिल्ली कहाँ मिलेंगे? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? मजा आ रही कि नहीं? यही तो है बच्चा, माँ मजा आ रही है। अब तुम लोग हमको हमारी ही भाषा में समझाते हो, है ना? अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे हमको हमारी ही भाषा में बताते, तो मजा आता है। हाँ, गणित वड़ी समझ में कम आ रही क्या? क्या दिक्कत आ रही है? मतलब सर्वप्रलाप नहीं कर पा रहा,
काल एक जैकेट पहन के भी गणित पढ़ी बे। हाँ समझे, गणित में पढ़ाता था बच्चा, मैं 3 साल गणित ही पढ़ाया हूँ, मैं बीटेक का स्टूडेंट था है ना, और मैं साइंस गणित यही मेरा सब्जेक्ट, ये तो जबरदस्ती गांधी दे गए रहे हमका, कह रहे हमें जाएगा तुमका संभालना है, अभी आपको इतिहास पढ़ाएंगे और इतिहास पढ़ाएंगे तुम कहोगे अरे हम कहाँ आ गए, तुम बता रहे तुम लोग बहुत अच्छी किस्मत थी तुमको हम मिल गए, आपको अभी देखना इतिहास जब पढ़ोगे लगेगा अरे पृथ्वीराज चौहान हमारी ने इनका बगल वाले को तलवार ही से मार दो। हाँ भगत सिंह को जब पढ़ाएंगे ना तो तुम अपने आप को एकदम भगत सिंह अब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और तुम तुरंत पिस्टल निकलियो चंद्रशेखर आजाद की तरह मार दोगे, अभी आपको पढ़ाएंगे देखोगे इतिहास में क्या होता है। हाँ देखो किताबों में सब वही लिखा, सारे टीचर वही पढ़ाते, एक तरीका अलग होता है, बस उसी में जब तक आप तुम लोगों को जीएस पढ़ने में मजा आएगी, जो रोचकता नहीं थी ना रोचकता आने, चीजों को पकड़ना सीख, अच्छा यहाँ से कहानी ऐसे ऐसे चल रही है समझे, समय हमसे जरूर लगेगा, हम कोई काम जल्दी नहीं करते, अभी आप देखोगे इतना पढ़ाई याद हुआ कि नहीं, कोई पूछ लेगा सपने में ऑस्ट्रेलिया का, तो पागल होगा ऑस्ट्रेलिया ये है अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका ये बताते चले जाओ, अभी तो मानचित्र में कलम चलाइबे नहीं बहन, पूरा विश्व ऐसे कब्जा कर लो, अच्छा यूक्रेन लो रूस लो तुरंत पहुंचोगे, अभी थोड़ा हमको आराम से चलने दो, आओ इतना हो गया, देखो बच्चा 6 नंबर पर क्या है यूरोप, क्या है यूरोप, देखो अभी कोरोना आया था ना, कोरोना आया तो कोरोना की एक बड़ी खासियत थी, जो पैसा रुपया वाले आदमी रहे ना केवल उन्हीं को पकड़ रहा था, ज्यादा देखे हुए जिनके पास खूब पैसा रहा वही आदमी ज्यादा मरे हैं, ठीक है ना, ज्यादा मरे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रुपया वाले आदमी कहाँ, यूरो, कहाँ है यूरोप में, सब एसी में रहते क्योंकि ठंडी बहुत होती है यूरोप में, है ना, देखे हुए सब गोरे गोरे लोग कहाँ है यूरोप, है ना, यूरोप में रहते, तो भैया आपसे बता दे जिनके पास देखो पैसा रुपया होता है उसके पास जमीन खाली नहीं रहती, जैसे हमारा एक प्लाट है हमारे पास पैसा है तो प्लाट क्या करेंगे बनवा देंगे किराए पर उठा देंगे, तो इनके पास जमीन जो है खाली नहीं है सब उठाए किराए पर, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोप सबसे ज्यादा पैसा रुपया वाले आदमी कहाँ है यूरोप, अभी आप अंग्रेजन के नाम सुने हुई हो तो अंग्रेज अंग्रेज सब कहाँ आवत यूरोप में आवत है, ठीक है ना, तो यूरोप के बारे में कहा जाता है बच्चा आपसे कि बताइए वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर भी एक भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल का मतलब जानते हो, मरुस्थल का मतलब सुनो, मरुस्थल का मतलब होता है मरा हुआ स्थान, मरुधन स्थल जब अलग करते, मरु का अर्थ होता है मरा हुआ, स्थल का मतलब होता है स्थान, मरा हुआ स्थान ही क्या होता है मरुस्थल, लेकिन समझना मरा हुआ स्थान क्या होगा जहां पर कुछ भी पैदावार ना हो, जहां पर कुछ भी पैदावार ना हो, जो उन्हें खेत में कुछ भी पैदावार नहीं उसर में कोनो पैदावार होता तो वो क्या हो जाता मरुस्थल, क्या हो जाता मरुस्थल, तो सबसे पूछा जाएगा दुनिया में बोला जाएगा 7 महाद्वीपों में कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पास एक भी मरुस्थल नहीं है, वो कौन है यूरोप, यूरोप के पास एक भी मरुस्थल नहीं है क्योंकि पैसा रुपया इनके पास बढ़िया अपन प्लाट बनाए बनाए बेचे हैं, तो बोला जाएगा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है बताइए, सबसे बड़ा कौन है, मानव पैदा कहाँ हुआ, नई दुनिया, जैव विविधता, सफेद महाद्वीप, एक भी मरुस्थल नहीं है, ई चाचक पास एको मरुस्थल नहीं है, लेकिन ई जो है इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया, क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इतना बैल है इसके यहाँ खाली मरुस्थल है, क्या है, देखो मरुस्थल की दो परिभाषा है, पैदावार कहाँ नहीं होगी जहाँ पर पानी नहीं गिरेगा, कहते हैं जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब बहुत कम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होते हैं मरुस्थल, तो वर्षा कहाँ कम होती है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए पूछा जाएगा 7 महाद्वीपों में सबसे कम मरुस्थल कहाँ है, सबसे कम मरुस्थल कहाँ है यूरोप, और सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, अच्छा मरुस्थलों में पानी की कमी होगी ऐसे ऊपर निहारा करत की बूंद खाण पानी गिर जाओ, हाँ गिर जाओ, तो कहते हैं प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता, प्यासी भूमि का देश किसे कहते ऑस्ट्रेलिया, किसे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा मरुस्थल, प्यासी भूमि का देश, एक भी मरुस्थल नहीं है, कौन सा यूरोप, कौन है यूरोप, एक भी मरुस्थल नहीं, किसके पास यूरोप के पास, नई दुनिया, सुनो अब एक कहानी आपको बताते हैं, ये भी आपको कहीं मिलेगी, ये केवल हम ही दे पाएंगे जानकारी, सुनना ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया कोई देश नहीं, देश उसके अंदर भारत पाकिस्तान बांग्लादेश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप भी है और देश भी है, दोनों चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया, क्यों है ऑस्ट्रेलिया कोई भैया महाद्वीप नहीं था,
ऑस्ट्रेलिया के पापा रहे, ऑस्ट्रेलिया के पिताजी थे, जिनका नाम था ओसेनिया। क्या नाम था? वास्तुता में जो सातवां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्या है? ओसेनिया। क्या है? ओसेनिया। सातवां महाद्वीप कौन है? ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया के पापा का नाम क्या था? ओसेनिया। कबो देखे हुई हो, जैसे गाँव वाम देखे हुई हो, जैसे पापा हैं, पापा हैं, पापा के चार लड़के, रमेश, महेश, सुरेश और गणेश, ठीक है ना, सब लड़के लड़के। तो हमने कहा देखे हुई हो तो गांव में जल्दी जो है पापा का नाम पुकारा जाता रमेश के पापा, सब लोग कहते हैं, है ना, कहेंगे ये रमेश के पापा कहाँ जा रहे हो, है ना, यही तो कहते। मतलब बड़े वाले लड़के का नाम क्या होता? आगे चलता है। जब पापा, ऑस्ट्रेलिया के पापा का नाम क्या था? ओसेनिया। ओसेनिया तब तक जिंदा रहे, ठीक ठाक रहे, तो सबको ओसेनिया का कहा था ये ऑस्ट्रेलिया के पापा कहाँ जा रहे हो। जैसे ओसेनिया कहा हुई गुजर गए, ओसेनिया क्या हो गए? गुजर गए। देखो ये जब पापा गुजर गए तो बड़े वाला जो लड़का होगा, अब जो न्यूता आवत है घर में, कार्ड जो आवत है, पहले पापा के नाम से आवत है, जब पापा चले जाते तो धीरे धीरे जो घर में बड़ा होता उसके नाम आते, वही हुआ। जैसे क्या हुआ, ओसेनिया चल बसे तो अब जिम्मेदारी किसको मिल गई? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नाम से कार्ड आने लगे, मतलब नाम क्या रख दिया गया? ऑस्ट्रेलिया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, कभी एक बार पेपर में असल बात ये क्वेश्चन आ गया और बच्चे कहे सर ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, तब से हमने कहा कि भाई ये बात बतानी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये आया था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, अब आ गया क्वेश्चन, और ऑप्शन में था एशिया, ऑप्शन में था अफ्रीका, ऑप्शन में था भैया उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन में था भैया ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं, ओसेनिया। लड़के मुंह ताक रहे, तो ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रहे ना कि हमारा ऑस्ट्रेलिया कहां चला गया। उनको ये नहीं पता बैल कि ऑस्ट्रेलिया के पापा को वहीं ओसेनिया, पापा का जमा नाम आ गए तो पापा बड़े हैं भाई, पापा का टिक मार देना चाहिए था, सही हो जाता। तो इसीलिए हमने कहा कभी मान लो ऑस्ट्रेलिया ना मिले ऑप्शन में तो सही क्या होगा? ओसेनिया। क्या सही होगा? ओसेनिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पापा का नाम ओसेनिया। सबसे ज्यादा मरुस्थल, सबसे कम मरुस्थल, पैसा रुपया वाले आदमी, नई दुनिया, काला महाद्वीप, भारत, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, बोल नहीं रहे, खोपड़ी रखी थी नो, ऐसे जवान बनोगे, हाँ तुमको अभी ग्रीनलैंड ले चलेंगे, वहीं छोड़ेंगे फिर, चलो आगे चलो, बोल। मैंने ये थोड़ी कहा इक्वेटर के पास है, ये कहाँ कह दिया? अच्छा अंदाजा लगाए हुए या लाइन गए हैं तो यहाँ, अरे वो बना दिया है, अब इक्वेटर वगैरह यहाँ आपको हम समझाएंगे। जैसे आप देखोगे तो भाई जीरो वाली लाइन ये है बिटिया, देखो हम बनाए देते हैं इस तरह से, यहाँ गई, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नीचे है। हाँ पास है, लेकिन सबकी तुलना में यहाँ कम होती है, समझे भाई। वर्षा होने के लिए केवल एक ही कंडीशन जरूरी नहीं है, टेम्परेचर, और भी चीज़ें होती है। अभी आगे धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि विषुवत रेखा के जो पास है, जैसे अब विषुवत रेखा तो यहाँ से शुरू होती है और गुजरती यहाँ, तो अफ्रीका से गुजर रही है, तो अफ्रीका की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ कांगो घाटी वगैरह नाम सुने होंगे, कांगो की घाटी, कांगो नदी सुने, तो अफ्रीका में कांगो है, तो यहाँ थोड़ा कम पाई जाती है लेकिन यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। थोड़ा सा वातावरण का भी असर पड़ता है, तापमान वगैरह जो होता है, अलग अलग चीज़ें आएंगी, अभी बहुत बातें बताएंगे आपको, थोड़ा धैर्य रखो, समझोगे। इतना समझ में आ गया? महाद्वीप समाप्त हो गए, महाद्वीप क्या हो गए? समाप्त हो गए, ठीक। अब आगे कहानी बढ़ाते, अब मानचित्र खोलो सब लोग, निकालो मानचित्र, है ना, मानचित्र निकालो, हाँ भराते हैं, महाद्वीप भर लेते हैं पहले, है ना, मानचित्र में, मानचित्र भराएं भाई, सुनो भाई, जिसके पास ये वाला मानचित्र है, हाँ ये वाला जिसके पास है, हाँ ये वाला, देखो हम बताते चलना है। एयरफोर्स में यहाँ से केवल जितनी बातें बताएंगे, दो क्वेश्चन मिले थे एयरफोर्स में, दो क्वेश्चन आए हुए यहीं के, हम जो बताने जा रहे हैं, सुनो पकड़ो। देखो मानचित्र में एक चीज़ देखोगे, मानचित्र में तुमको जो है जितना नीला नीला भाग दिख रहा है, जितना नीला नीला भाग दिख रहा है बिटिया, ये नीला नीला दिख रहा है, आसमानी कलर है, कौन सा कलर है? हाँ अब ये लड़कियां ज़्यादा बताती कलर, हमका तो करिया करिया खाली दिखाते हैं, ठीक है ना। ये आपको जितना ये आसमानी वाला दिख रहा है, ये आपका जो होता है पानी है, ये क्या है? पानी। ये जल है, ये सब क्या है? जल। और जितना सफ़ेद दिख रहा है वो स्थल है, वो क्या है? स्थल। जितना आपको कैसा दिख रहा है बच्चा, कैसा? हाँ, जितना आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो क्या है? स्थल। और जितना आपको नीला नीला दिख रहा है वो क्या है? जल।
दो चीजें क्लियर हैं, दो चीजें क्लियर हैं। अब मानचित्र में आप लोग देखो भाई, मानचित्र में एक चीज देखोगे, देखो ये वाला जिसके पास मानचित्र हो तो बहुत आराम से देखेंगे, जिसके पास मानचित्र है एक चीज देखेंगे, हमको थोड़ा सा इसको गीला करो बेटिया, पानी डालो। हाँ बस करो, अरे बस मानचित्र को करना ना। तुम लोगों की छुट्टी संडे को होती? हाँ संडे का करो आपकी क्लास? अरे हम हो तो छुट्टी ले बिटिया, हम हफ्ते में दो दिन नहीं पढ़ाते हैं, उस दिन मौन व्रत रहता है। आप खड़े रहो, शनिवार, हो सकता कल भी ना रहे, कल बिटिया थोड़ा सा अब काम क्या, कल इधर उधर रहे कहो, देखो जैसा होगा। हाँ बिटिया घूमने नहीं, एक घंटे के लिए आ जाए। सुनो अब सोच लो, सवेरे तुम अंजन के 7 बजे चले जाए पढ़ावे, और अभी तुरंत आए ना, अभी कुछ खाए नहीं, भूखे हैं बराबर, लेकिन तुम बैठी हम बोल रहे हैं, ये नहीं सोचती हुए ऊर्जा कितनी लगती है, कति हम भी नहीं खाए हैं। हाँ सुनो, चल रहा फोन प्रयास है ये पीछे वाले लड़के, अच्छा ये हमने देखा चाहे जहाँ हो, अभी पूछेंगे आज इनके टोपी उतार दे, मारत मारत ही कहाँ पड़े हैं, अभी मेरा आतंकवादी वाला रूप देखे ही नहीं। सुनो मानचित्र में देखो, मानचित्र में एक चीज देखो, तुम लोग आगे वाले जिनके पास ये वाला मानचित्र, जिसके पास नहीं वो हमसे पूछेंगे, हम बनाएंगे उनकी कॉपी में। यहाँ से देखोगे जहाँ पर ऐसे यूरोप है, और यहाँ पर देखो एक ऐसे ऐसे करके एक लाइन आई है डॉट डॉट करके, और यहाँ से ऐसे जुड़ गई आके पानी वाले गड्ढे में, देखो है, और इस लाइन को चटक चटक करो, चटक चटक का मतलब जानते हो, डार्क करो। हाँ